रीवा जिले के हनुमाना नगर परिषद से आज एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर पार्षद का चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरि नारायण गुप्ता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हरि नारायण गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी से 14 वोटों से चुनाव हारे हैं, जिस पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनका दुखद निधन हो गया। इससे क्षेत्र में मातम पसर गया है। रीवा जिले के हनुमाना, मऊगंज और नई गढ़ी नगर परिषद में प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हुआ था, जिसके बाद आज तीनों नगर परिषद के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, जिस पर चुनाव परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद हनुमाना नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 9 में कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी रहे हरि नारायण गुप्ता की हार के बाद मौत हो गई। दरअसल हरि नारायण गुप्ता कांग्रेस पार्टी के टिकट से वार्ड क्रमांक 9 में चुनाव लड़ रहे थे। आज चुनाव परिणाम आने के साथ ही यह स्पष्ट हुआ कि वो निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश गुप्ता से 14 वोटों से चुनाव हार गए, जिसके तुरंत बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। आनन फानन में परिजनों के द्वारा उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रीवा आते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई और क्षेत्र में मातम पसर गया। पुलिस की माने तो मतगणना स्थल पर पहले तो कांग्रेस प्रत्याशी हरि नारायण गुप्ता की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद वो स्वयं अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को दिखाने लगे। इस दौरान कुछ ही समय बाद अपनी हार की खबर सुनते ही अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जहां उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जी, एक हरि नारायण गुप्ता जी आए थे, जो कि सुबह साढ़े नौ बजे आए थे। इनको चेस्ट पेन था, इनको प्राणिक ट्रीटमेंट दे के रेफर कर दिया गया था संजय गांधी। तो उनकी मौत हो गई सर। जी सर, पता चला सर कि चुनाव लड़े थे पार्षद को, हार्ट अटैक चुनाव के कारण हुआ है। जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि चेस्ट पेन हुआ था, जो कि यहाँ उनका उपचार हुआ है और इसके लिए हमने संजय गांधी के लिए रेफर भी कर दिया गया था, जो कि उच्च डॉक्टर की देखभाल में उनको रेफर। थाना हनुमाना अंतर्गत हरि नारायण गुप्ता, उम्र लगभग 45 वर्ष, वार्ड क्रमांक 8 के निवासी थे और जो कांग्रेस पार्टी के वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी थे। आज गणना स्थल पर लगभग 10 बजे उनकी तबीयत खराब हुई और वहां से वो स्वयं हॉस्पिटल गए और वहां पे लगभग 12:30 बजे उनको हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि इस चुनावी माहौल में एक दुखद घटना है। मैं उनके पूरे परिवार को संवेदना व्यक्त करता हूँ। क्या वो चुनाव हार गए? अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है।